सभी सक्षम युवा साथियों को नमस्कार और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। यह वीडियो स्पेशल जो हरियाणा में सक्षम बेरोजगार युवा साथी हैं जो अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के बनाई गई है। अत्याचार क्या है कि जो अप्रैल महीना है लॉकडाउन के दौरान में आज के अखबार में आई है कि अप्रैल महीने की हाजिरी सक्षम युवाओं की नहीं भरी जाएगी। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि इन बेरोजगार युवाओं की अप्रैल महीने की हाजिरी न भरने का कारण क्या है। यदि लॉकडाउन में हमने काम नहीं किया तो एक बात मैं सरकार को और सभी साथियों को याद दिला दूं कि अप्रैल महीने में तो किसी ने भी काम नहीं किया, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो हम अलग से काम कहां से करें लॉकडाउन में जाकर के। क्या उन सभी सरकारी कर्मचारियों की संख्या अप्रैल महीने की काटी जा रही है? यदि पूरे देश की और अप्रैल महीने की सरकारी कर्मचारियों चाहे प्राइवेट कर्मचारी उनकी संख्या यदि काटी गई है तो हम सक्षम युवा भी अपनी अप्रैल महीने की जो 6000 रुपये मानदेय भत्ता हमको मिल रहा है वो हम देने के लिए तैयार हैं। और यदि किसी भी कर्मचारी की अप्रैल महीने की हाजिरी नहीं काटी गई है, पैसे नहीं काटे गए हैं, तो हमारा भी नहीं कटना चाहिए। जो 5-6000 रुपये एक बेरोजगार साथी को हमारे को मिल रहे हैं उनसे सरकार का घाटा पूरा नहीं होने वाला है, ये सरकार की बिल्कुल नाजायज नीति है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक, उप मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो सक्षम योजना के जो सक्षम युवा साथी हैं हम, इनके साथ जो अन्याय आप कर रहे हो ये बिल्कुल नाजायज है, इसके ऊपर तुरंत से तुरंत एक्शन किया जाए। और उस अखबार में, आज के अखबार में हमारे हरियाणा के राज्य मंत्री जी अनूप दानक जी का भी स्टेटमेंट है कि मुझे तो इस बात की भनक ही नहीं है, मेरे को तो इस बात का पता ही नहीं है कि ये किस बारे में काटा जा रहा है। उनकी भी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो आज के अखबार में, हमने देखते ही हमने ये वीडियो जारी किया है। लॉकडाउन में हमारा विरोध करने का और तो कोई तरीका है नहीं, हम इकट्ठे नहीं हो सकते, हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन वीडियो के माध्यम से और अखबार में के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से हम सभी सक्षम इस बात का विरोध करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को मुख्यमंत्री जी तक, उप मुख्यमंत्री जी, राज्य मंत्री जो अनूप दानक जी की जो स्टेटमेंट आई है उस पर भी गौर करने की बात है कि राज्य मंत्री होते हुए भी उनको इस बात का पता नहीं है, आप अखबार में आज दे सकते हैं आराम से। तो सभी सक्षम युवा साथियों का धन्यवाद करता हूँ और इस बात का बिल्कुल विरोध करेंगे। हाँ, साथ में एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूँ, यदि सभी कर्मचारियों की अप्रैल महीने की तनख्वाह यदि काटी जा रही है तो हम भी ये अप्रैल महीने का भत्ता देने के लिए सरकार को तैयार हैं। यदि नहीं काटी गई है तो ये सरासर अन्याय होगा, इसका हम खुलकर विरोध करेंगे। सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि इन बेरोजगार जो साथी हैं, मैं भी सक्षम हूँ इसलिए मुझे भी इस बात का दुख है, तो अप्रैल महीने का हमारा भत्ता दिया जाए। धन्यवाद।